हेलो एवरीवन, वेलकम टू इस कोर्स वाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर, और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू दी नेशनल इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी को क्या कंट्रीब्यूशन है, हम आज वो देखने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हम जानते हैं कि सर जो एग्रीकल्चर है ना, वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। दो इट्स शेयर इन दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड। पर ये देखा गया है कि सर जो GDP में हमारे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। ये देखा गया है 1951 के बाद से। इन 2010 टू 2011 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। अब देखा गया है कि सर एग्रीकल्चर में लगभग इंडिया का 52% जो पॉपुलेशन है ना, वो इन्वॉल्व हो रखा है। मतलब जो इंडिया का वर्कफोर्स है उसका लगभग 52%, मतलब लगभग जो खास है ना, वो किसमें एम्प्लॉय हो रखा है, वो हमारे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हो रखा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम आगे देखते हैं, द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लेड टू अ डिक्लाइन इन अदर स्पेस ऑफ इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर का जो ये शेयर डिक्लाइन हो रहा है ना GDP के अंदर, वो एक सीरियस कंसर्न है हमारे सामने, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी चिंता का है ना मुद्दा है हमारे सामने। क्यों है सर? क्योंकि हमने ये देखा है कि सर जो एग्रीकल्चर है ना, वो कई इंडस्ट्रीज को क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है, और इसी के साथ साथ GDP का एक क्रूशियल पार्ट भी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर हमारी सोसाइटी के अंदर कई सारी इम्प्लीकेशन इंक्रीज होती है जब हमारा जो शेयर है एग्रीकल्चर का GDP में कम होता है। मतलब जितना ज्यादा एग्रीकल्चर डिक्लाइन होगा, उतना ही ज्यादा हमारे सामने इम्प्लीकेशन आएंगे सोसाइटी के लिए। फिर हम देखते हैं, कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंक्रीट एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो ऐसे में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि सर हमें कुछ कंक्रीट सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे डेवलपमेंट के तरीके लाने पड़ेंगे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा हमारे एग्रीकल्चर को सिक्योर कर पाए और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट कर पाए। फिर हम देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसी के साथ साथ सर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च कर सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया जाता है, वेटनरीज सर्विसेज को सेटअप किया जाता है, और इसी के साथ साथ एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को भी सेटअप किया जाता है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए कई सारे रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड जैसे कि मेट्रोलॉजी हुआ, वेदर फोरकास्ट हुआ, इन सभी को सेटअप इंडिया में किया गया है ताकि ओवरऑल जो ये सिस्टम है उसको रिसर्च से, उसको डेवलपमेंट से क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके, बदलाव जा सके और उसमें रेवोल्यूशन लाया जा सके। वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो सर ऐसे में हम समझ सकते हैं, जब हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, वेटनरीज की बात करते हैं, साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, मेट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग की, तब हम समझ सकते हैं सर कि ओवरऑल ये जो सिस्टम है ना, ये सारा का सारा सिस्टम हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को भी क्या करेगा, बूस्ट करेगा। फिर हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसको एक बार साइड में रख देते हैं, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर एसेंशियल फॉर दी सेम। इसी के साथ साथ सर हमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खड़ा करना होगा ताकि सर जो हम माइग्रेशन देख रहे हैं, धीरे धीरे जो रूरल एरिया से जो सिटीज की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है, उसे भी तो रोकना जरूरी है। अगर हम हमारे रूरल एरियाज का ही डेवलपमेंट कर देते हैं तो हम ये देखेंगे कि सर जो सिटीज का जो माइग्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसे में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कराया जाना बहुत ज्यादा असेंशियल है। इट इज क्लियर डेट दो GDP ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, ऐसा देखा गया है कि सर GDP ग्रोथ रेट है वो ओवर द ईयर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी कंट्री, पर फिर भी सर ये किसी तरीके का एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने नहीं लाती है। सर जो आजकल का युवा है, जो यंगस्टर्स है ना, अगर उन्हें आप कह दो कि सर आपको फार्मिंग करनी है, आपको फार्मर बनना है, तो सर ऐसा कोई भी युवा नहीं होगा, ऐसा कोई भी यंगस्टर नहीं होगा जो ये बोलेगा कि सर मुझे क्या करनी है, फार्मिंग करनी है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर ऐसी कोई एक है ना स्पेसिफिक कोई है ना, हमें क्या देखने को नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती, और अपॉर्चुनिटी नहीं देखने के कारण ही अब जो युवा है वो धीरे धीरे फार्मिंग से दूर होता जा रहा है। दी ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज बीन डीएक्सेलरेटिंग विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो एग्रीकल्चर के अंदर ये डिक्लाइन आ रहा है, उसकी ग्रोथ रेट धीरे धीरे गिरती जा रही है ना, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे सामने पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि सर इसे है ना हमारा ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो इम्प्लीकेशन है वो भी बढ़ जाएंगे। टूडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर
सेक्टर। तो ये देखा गया है सर, जो इंडियन फार्मर्स है ना वो बिग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि सर इंटरनेशनल उनके सामने कंपटीशन आ गया है, और साथ ही साथ उनका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होता जा रहा है, रिडक्शन होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडियन फार्मर्स के सामने कई सारे बिग चैलेंजेस आके खड़े हो गए हैं। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हो क्या रहा है सर, सब्सिडी जो पहले हमें फर्टिलाइजर्स में मिला करती थी, अब वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना हमारा वो बढ़ता जा रहा है। फिर हम ये देखते हैं, मोर ओवर रिडक्शन इन इंपोर्टिंग ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डिटरमिनेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। ऐसा देखा गया है कि सर जैसे जैसे हम इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करते जा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे वैसे ही हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको एक है ना चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। फार्मर्स आर विदड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्री कल्चर। अब ऐसे में सर जो फार्मर्स होते हैं ना वो धीरे धीरे अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको विड्रॉ करते जा रहे हैं, क्योंकि सर जो एग्रीकल्चर है ना वो अब इतना इम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं कर रहा, ना ही इतना वो प्रोडक्शन उनको दे रहा है। फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हेन फार्मर्स हैव बीन फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फार्मर्स है ना, फार्मर्स कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, साथ ही साथ सर जो लैंड है ना एग्रीकल्चर वाला वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। कैन वी थिंक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या हम कुछ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर सेक्टर में देख सकते हैं? अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाई आर फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ दी कंट्री। जो आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना वो यही है सर, सुसाइड। कई सारे स्टेट्स में ऐसा देखा गया है कि सर जो फार्मर्स है ना वो सुसाइड कमिट करते जा रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों है कि सर ये जो फार्मर्स है ये सुसाइड को कमिट कर रहे हैं? अब हम एक बार इसका रिकैप देख लेते कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि सर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू दी नेशनल इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में हमने ये देखा है कि सर एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडिया की बैकबोन है, पर ये देखा गया है कि सर जीडीपी में आप उसका जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 1915 में ये देखा गया कि सर इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था, जो जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का जो एक पार्ट था, वो अब 2022 तक में उतना नहीं रहा, वो जो शेयर है वो धीरे धीरे कम हो गया है। अब हम बात करते हैं 2010 से 2011 की, ये देखा गया है कि सर 52% जो टोटल वर्क फोर्स है ना इंडिया का वो कहाँ एम्प्लॉय हो रखा है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय हो रखा है। फिर हम ये देखते हैं सर जो डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन दी जीडीपी है उसके कारण हमारे सामने कई सारी सीरियस प्रॉब्लम्स आगे खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर के अंदर धीरे धीरे डिक्लाइन आएगा, वैसे ही हमारी सोसाइटी के अंदर कई सारे इम्प्लीकेशन हमारे सामने आएंगे। फिर हम ये देखते हैं सर कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना उसने कई सारे कंक्रीट एफर्ट्स दिए हैं ताकि हम हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकें, और इसके लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया है, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया गया है, वेटरनरी सर्विसेज को एस्टैब्लिश किया गया है, और भी बहुत सारी ऐसी रिसर्च और साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स को ओपन किया गया है ताकि सर एग्रीकल्चर का क्या किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। फिर हम देखते हैं सर जब हम बात करते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सर ओवरऑल ये देखा गया है कि सर इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अगर हमें है ना किसी भी सेक्टर को ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसे में सर रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें क्या करना होगा, बिल्ड करना होगा। फिर हम देखते हैं क्लियर डेट जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। हमने ये देखा है कि सर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, पर इसमें इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। अब ऐसे में सर ये जो ग्रोथ रेट में जो डिक्लाइनिंग आ रही है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे सामने बढ़ती वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि सर जो इंडियन फार्मर्स है वो कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि सर इंटरनेशनल उन्हें कॉम्पिटिशन मिल रहा है, साथ ही साथ जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी के साथ साथ सर सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण उसका ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना एग्रीकल्चर में वो भी बढ़ता जा रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज कम की जा रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसके कारण धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि अब इस सेक्टर को इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से क्या करना होगा, बीट करना होगा। फिर हम बात करते हैं फार्मर्स आर विड्रॉइंग, इसी के साथ साथ जो फार्मर्स है ना वो भी अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है सर अब जो एग्रीकल्चर है उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे स्पोर्ट्स अलग यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।